तो जो बच्चे स्टडी में थोड़ा सा वीक हैं वो उन स्पोर्ट्स में थोड़ा सा आगे होते हैं, उनको हम यहाँ स्पोर्ट्स में लाते हैं। बाकी ये जो ग्राउंड बन रहा है, बच्चे प्ले करें, बच्चे इन सब स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, उनकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने ये सब किया। क्या लगता है कि बच्चे की जो ग्रोइंग एज होती है उससे स्पोर्ट्स का महत्व कितना रह जाता है? सर बिल्कुल, फिजिकल बच्चों का जितना वो फिजिकल होंगे उतना अच्छा है, और छोटे बच्चे जितना फिजिकल में रनिंग प्ले जो भी है इन सब चीज़ों में बच्चे आगे रह गए, इनसे उनका ही फायदा है। यहाँ पे जो पार्क के अंदर कुछ एनिमल्स भी लगाए हुए हैं, तो कितनी नॉलेज उन बच्चों को इससे गेन होती है और क्या लगता है कि सबसे पहले तो जब ये एनिमल्स लगे थे तो बच्चों को इनको देखकर ही इंटरेस्ट जागा था, और बच्चों को तरह तरह के एनिमल्स देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जू वगैरह के बारे में भी बच्चे नॉलेज जानना चाहते हैं, तो एनिमल्स देख के उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, SPS इंटरनेशनल स्कूल में ही अच्छी प्रिपरेशन अदर स्कूल से क्यों है? क्योंकि सर यहाँ स्टडी के अलावा भी हर जगह स्टडी काम नहीं आती, बच्चे को हम ओपन करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा क्राउड में खड़ा होकर भी बोले। स्टेज फियर जो है हमारा मेन मोटिव है कि हम बच्चों का स्टेज फियर दूर करें, तो इसलिए SPS इंटरनेशनल अलग है। कुछ नया एडवांटेज यहाँ पे देखने को कब से मिलेगा ज़्यादा? सर वैसे तो हर साल हम नया ही करते हैं, तो इस साल ज़रूर हम नया देने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारा मेन मोटिव यही होता है कि बच्चा ग्रो करे हर चीज़ में, अच्छा सीखे, अच्छी नॉलेज ले, ये हमारा मेन मोटिव है।